गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम एक मिलवाने वाले हैं, कम एयर फास्ट। ये वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमने शुरू कर दिया आज का न्यू ब्लॉग। दो तीन दिन लेट हो गया ब्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रह गया था तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड ब्लॉग। कृष्णा चौधरी हैं, जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कि कृष्णा चौधरी जा रहे हैं। ये बहुत शर्माते हैं कैमरे के सामने आने में। देखो अभी भी शर्मा रहे हैं। हम तो शर्माते शर्माते ये भी शर्माते हैं। कहिए, कुछ कहिए। कुछ बोलिए। आपके चाचू ब्लॉगर बने हैं नए, नहीं कुछ कहिए उनके बारे में। वो लोग कैसा कर रहे हैं, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, नर्वसनेस रहती है। बोलिए कुछ। नहीं मैं नहीं बोलूंगा। देखो शर्मा रहे हैं, कितना शर्माते हैं, ऐसे ही करते हैं। पहले तो कहते थे मुझसे चाचू ब्लॉग स्टार्ट करो, अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, अभी शर्माते हैं इतना। देखो बाबा नीचे देखेंगे ना, कुछ बोलेंगे। कृष्णा ये देखो, ये क्या दिखा रहे हैं? नहीं यार क्या है? ये हमारे घर में, हमारे घर में आप गिरो ना, हमारे घर में तीन चार पप्पी घूम रहे हैं। वो आवार पप्पी हैं बाहर के, तो वो डेली गंद फैलाते हैं यहाँ पे, तो उनको वहाँ पे छोड़ के आएंगे बाहर। आज छोड़ के आएंगे शाम के टाइम उनको उठाकर। आज हमें जाना है गढ़मुक्तेश्वर, क्योंकि आज मुझे ताऊ जी के साथ जाना है। ताऊ जी को लेकर, अपने सबसे बड़े वाले ताऊ जी मेरे, उनको लेकर जाना है। उनके थोड़ा दांत में प्रॉब्लम चल रही है, तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है। गाइस मिलते हैं फिर डॉक्टर के यहाँ पे, अभी क्योंकि लेट हो रहे हैं। 9 बजे डॉक्टर ने 9 बजे बुलाया था, 9 बज गए हैं घर पे ही। अब थोड़ा अभी रास्ते में टाइम लगेगा, वहाँ थोड़ा जाम मिलता है क्योंकि काम चल रहा है ना रोड का। मिलते हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे। हमारा आलू के ट्रैक्टर जा रहे हैं आज कोल्ड स्टोर के लिए। दो ट्रैक्टर जा रहे हैं, देखिए ये हमारी कार, इसको लेके चलेंगे हम। ताकि हमारे घर में पेंट हो रहा है, क्योंकि मैं तीन चार दिन ब्लॉग बनाने में लेट हो गया था, तो उसी बीच में हमारे घर में पेंट होना शुरू हो गया था। ये देखिए ये सारे में पेंट हो गया है, पेड़ों पर, दीवार पे, सब जगह पेंट हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़े वाले मेरे ताऊ जी, ये 1996 में प्रमुख रह चुके हैं सिंभावली ब्लॉक के। तो इनको लेकर जाना है डॉक्टर गर्भकुशेश्वर। तो आ गए हैं, ताई जी रह रही हैं, अभी बड़ी ताई जी भी आ चुकी हैं। तो चलते हैं फिर डॉक्टर क्लिनिक पे, मिलते हैं। नहीं तेरी सेक्सी आईज, सो लव द वे यू लुकिंग एट मी। आजा थोड़ी सी तू साइड, बेबी कर ले तू डिसाइड, कुछ ना दिस ना ये। यू एंड मी कनेक्टेड, लुक एट दे है परफेक्ट। तेरा हूँ तेरा मैं मोर और लेस, कब से खाली सी जगह है तू, कम ऑन बेबी फिल इट। जाने जब तू ये बातें सारी, तेरा मन ये माइंड, आजा मन मर्जी आ कर ले सारा सी वायर, वेस्ट मोर टाइम। I can't tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, cause tonight I'ma make you mine. I don't care, girl, I ain't worried about nobody, baby, don't be shy, cause tonight I'ma make you mine. Guys, हम आ गए अपने क्लिनिक पर। मैं ताऊ जी और ताई जी को अंदर क्लिनिक पर बिठाकर मैं आकर कार में बैठ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई हो रही है, झाड़ू पोछा हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कार में आके बैठ गया। वो अंदर ही सोफे पे बैठे हैं। बाल कैसे सारे फैले पड़े हैं, जिसमें मैं शैम्पू कर लेता हूँ, ये सारे बाल ऐसे रहते हैं नीचे, पूरे दिन ऐसे पड़े रहेंगे नीचे नीचे, फिर आंखों में आते हैं। पता नहीं क्या है, ये बाल जब शैम्पू कर लेते हैं तभी नीचे आ जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर आंखों में आने लगते हैं। क्लिनिक दिखाता हूँ डॉक्टर साहब का। क्लिनिक अंदर ताऊ जी ट्रीटमेंट चल रहा है। अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसे मैं अंदर लेके नहीं गया। यहाँ पे बैठे बैठे 11 बज गए हैं और मुझे लगने लगी है भूख बहुत तेज, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के नहीं आया था, तो यहाँ पे बैठे बैठे मुझे भूख लगने लगी है। अब घर जाएंगे तो भी कुछ खाएंगे, यहाँ तो मैं कुछ खा नहीं सकता। ट्रीटमेंट हो चुका है पूरा, हम यहाँ से वापस निकलते हैं घर के लिए। पहुंच गए सिंभावली और यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़े फ्रूट्स ताऊ जी के लिए। यहाँ पर ये सिंभावली में शुगर मिल है।
लोग आ गए घर पे और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा वाली भूख। तो गाइस खाना खाकर करेंगे थोड़ा रेस्ट, क्योंकि आज सुबह में जल्दी उठ गया था इसलिए मुझे आ रही है नींद बहुत ज्यादा। तो खाना खाकर फिर सोएंगे, उसके बाद करते हैं फिर व्लॉग का एंड। भाई शाम के बज रहे 6, काफी रेस्ट हो गया है। वैसे रेस्ट हुआ भी और नहीं भी हुआ, क्योंकि गेस्ट आ गए थे तो इस वजह से ना तो मैं सो पाया, ना मैं कुछ कर पाया, ना मेरे रेस्ट हुआ, ऐसे ही रह गए। गेस्ट आ गए थे बहुत सारे। पेड़ों पर, दीवारों पर, इन पे सब पेंट हुआ है, थोड़ा गेट पे भी हुआ है। मैं जरा दिखाता हूँ अभी आपको, गेट की साइड लेके चलता हूँ। ये रह गया थोड़ा सा यहाँ पे, ये थोड़ा ये रह गया घर के बाहर। अब मैं थोड़ा आपको अपने खेत वगैरह दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़े थोड़े दिख जाएंगे पर मैं कंप्लीट देंगे थोड़ा सा दिखाऊंगा अपने के। ये हो गया हमारा घर, जस्ट उसके साइड में हमारी खेत है, यहाँ से स्टार्ट है ये और आगे तक है ये। इधर इसमें आलू भी हुए हैं, आगे गेहूँ है, आगे फिर वो ईख है, गन्ने है। लाइट भी आ गई है और हम अब जला देते हैं पार्क की लाइट, क्यों अंधेरा होने वाला है तो उजाला हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ी वीडियो में क्लियरिटी आएगी और भी। ये जला दी मैंने लाइट, ये आ गया, हो गया उजाला हो गया। तो चलिए चलते हैं अंदर, अब जैसे जैसे अंधेरा चला जाएगा वीडियो की क्लियरिटी खत्म होती चली जाएगी, खत्म नहीं थोड़ा कम होती चली जाएगी। तो भाई आपको आज एक कार्टून से मिलवाते हैं, बहुत छोटा कार्टून है वो, आप देखेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आओ उधर आओ, ये लेकिन इनके बाल देखो कितने अच्छे लगते हैं, देखो अभी छोटी सी हुई थी ना, इनका हाथ टूटा हुआ था और बाल भी ऐसे ही निकले हुए थे फैले फैले साइड में खड़े हुए। इनका नाम है जीविका चौधरी, कृष्ण चौधरी की छोटी बहन। बहुत बोलती है, आगे आगे व्लॉग में देखना आप, इनकी आवाज आएगी, बस मेरी आवाज नहीं आएगी, बस इसकी आवाज आएगी। बहुत बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। जीविका मैडम है, मुझसे कह रही थी कि चाचू आपने मुझे पहले नहीं बताया आप व्लॉग बना रहे हो, मैं मेकअप वेकअप करके आती। देखिए बालों में बाल बाल सेट करके आई है, देखो ये देखो देखो स्टाइल देखो इनके, भाग गई शर्मा के। तो चलिए गाइस अब करते हैं व्लॉग को एंड। इसी के साथ अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और जो भी कोई बात हो कुछ भी हो आपके मन में वो कमेंट करना। थैंक यू गाइस।